एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राज्य का जो राज्यपाल होते हैं वे अपने कार्यों के लिए किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके कार्यकाल कितना होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है जुन्को तेबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी जुन्को तेबई। कब इन्होंने चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर? 16 मई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ से थे? तो ये पाकिस्तान से। वर्ष 1987 में भारत रत्न पाने वाली ये प्रथम विदेशी हैं। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? आंसर है हरा। इसको याद रखने की ट्रिक है वाइप ग्योर। इधर से 3 हटा दो, इधर से 3, बीच में क्या है? ग्रीन। तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है? तो ग्रीन। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? आंसर है लाल रंग। रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वेवलेंथ, वो सबसे अधिक होती है, और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर है अवतल लेंस। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए एक कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? अवतल लेंस। बचपन में आप सभी ने एक प्रैक्टिकल किया होगा, एक लेंस बीच में कागज रख दी जाती है, फिर लेंस को उसके ऊपर ऐसे रखा जाता है जिससे सूर्य की रोशनी उस लेंस में आती है और कागज जो है उसे जल जाती है। तो उसमें हम लोग जो लेंस का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, यानी कि सिम का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रेलवे में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन एक तो पूछे ही पूछे जाते हैं, कंफर्म है, तो आप फुल फॉर्म वाला सेक्शन जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? आंसर है अपरिवर्तनीय शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है खड़गवासल। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वह है खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में रक्तशीलता जिसे कि एनीमिया कहा जाता है किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। तो पुरुषों में जो एनीमिया होती है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर है लाहौर। जो महाराणा रणजीत सिंह थे इनकी राज्य की जो राजधानी थी वह लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है? आंसर है जीवाणु। कुष्ठ रोग की जो बीमारी होती है ये जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है इंडोनेशिया द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LTI किस देश की उग्रवादी संगठन है? आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है LTI उग्रवादी संगठन जो है वह कहाँ की है? श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की पुरावेश कहाँ पाया जाता है? आंसर है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वह कहाँ पे पाए जाते हैं? हम्पी में। ये कहाँ है? कर्नाटक में।
देखिए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के मध्य एक पुल पाया जाता है जिसे एडम्स पुल कहा जाता है। ये भी रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आंसर है अजमेर, जो कि राजस्थान में है। पुष्कर मेला हर साल अजमेर में पड़ता है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है सीवी रमन को। 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों का तापमान समान रहता है? तो -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है भुगतान में असंतुलन सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? यह स्वतंत्र हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती है? आंसर है महासागरीय दबाव के कारण। महासागरीय दबाव के कारण गल्फ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह है बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? आंसर है कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किनके पराजय से समाप्त हुआ? तो यह कृष्ण देव राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? आंसर है रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी जो है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक बहुत अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होती है? आंसर है असम और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन को। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? आंसर है होलोग्राफी। किसी भी वस्तु की 3D छवियां प्राप्त करने के लिए जो तकनीक होती है उसको कहा जाता है होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ता है? तो यह अपनी प्राश्रव्य तरंगों के कारण अंधेरे में चमगादड़ जो है उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर है दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, इसकी हेडक्वार्टर जो है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? आंसर है ग्रेफाइट का। पेंसिल का जो सिक्का होता है वह किसका बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है जीवाणु। टाइफाइड बीमारी जो होती है वह किसके कारण होती है? तो वह जीवाणु के कारण होती है।
नेक्स्ट है, भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1982 में। 1982 में भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 15 जुलाई 1948 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 जुलाई 1948 को। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट है, भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह कौन सी नदी पर है? तो यह दामोदर नदी पर है। ठीक है, जब यह परियोजना बनाई गई थी तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यह परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो यह परियोजना 1948 में स्टार्ट हुई थी। दामोदर नदी के बारे में जान लेते हैं। दामोदर नदी देखिए हुगली की सहायक नदी है और यह किस राज्य में बहती है? तो यह बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? आंसर है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आंसर है नहीं, भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? आंसर है सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर का जो संबंध है वह सिख धर्म से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो यह अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? आंसर है 1928 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वह जीता था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख सहमत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना कौन सा होता है? आंसर है फाल्गुन। सख सहमत पर जो पंचांग है उसमें जो प्रथम महीना होता है वह चैत्र होता है और जो आखिरी महीना होता है वो होता है फाल्गुन। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आंसर है आग जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा भारत में किस नदी को कहा जाता है? आंसर है गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी दो शब्दों का समावेश किया गया था? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। इसमें इतने सारे चेंजेस हुए थे जिसके कारण इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें किन शब्दों का जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यह कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? आंसर है 61वां संविधान संशोधन में, जो कि 1999 में हुआ था। 1989 में क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने की आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर है संतोष यादव। एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आंसर है ब्रिटेन में। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था? तुगलक वंश का पतन। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था किस पर? तुगलक वंश पर, और इसी के साथ तुगलक वंश का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है।
और यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।